गुड मॉर्निंग एट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, आज हम संस्कृत में निबंध कार्य करेंगे जिसमें हम विषय लेंगे विद्यालय। विद्यालय यानी स्कूल, हमारा विद्यालय। इस पे हमें 10 वाक्य लिखना है। आप सभी अपनी संस्कृत की कॉपी में ये 10 वाक्य लिखेंगे अपने विद्यालय के बारे में। सबसे पहला वाक्य जो है वो क्या दिया है, मम विद्यालय इंदौर नगरे स्थिता अस्ति। मेरा विद्यालय इंदौर नगर में स्थित है। दूसरा वाक्य क्या दिया है, विद्यालयस्य भवनम अतीव सुंदरम अस्ति। विद्यालय का भवन अतीव यानी बहुत ही सुंदर है। तीसरा वाक्य है, अहम प्रतिदिनम विद्यालय गच्छामि। अहम मतलब मैं प्रतिदिन हर रोज़ विद्यालय जाता हूँ या जाती हूँ। फिर चौथा वाक्य क्या है, अहम विद्यालय गत्वा गुरुं प्रणमामि। मैं विद्यालय जाकर गुरु को प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। पांचवा वाक्य है, गुरुवा स्नेहेन पाठं पठयन्ति। गुरु जो हमारे गुरु है, जो हमारे शिक्षक है, वो हमें बड़े स्नेह से पाठ पढ़ाते हैं। छठा वाक्य है, विद्यालय एकम उद्यानम अपि अस्ति। विद्यालय में एक उद्यान भी है। सातवां वाक्य क्या है, विद्यालय एकः पुस्तकालय अस्ति। विद्यालय में एक पुस्तकालय है। आठवां वाक्य है, विद्यालय एकम विशालम क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। विद्यालय में एक विशाल क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा मतलब खेलना और क्षेत्र मतलब एरिया, वहाँ का उस जगह का मतलब जहाँ हम खेलते हैं, तो उस खेलने की जगह को क्या कहा जाता है, क्रीड़ा क्षेत्रम। विद्यालय में एक विशाल बड़ा खेलने का मैदान या एरिया है। फिर नौवा वाक्य क्या है, तत्र छात्रः क्रीडन्ति, वहाँ छात्र खेलते हैं। दसवा वाक्य है, विद्यालयः महाम अतीव रोचते। विद्यालय का बहुत मुझे मतलब विद्यालय बहुत रोचक है, अतीव प्रिय है। तो ये 10 वाक्य आप लिखेंगे, मेरा विद्यालय इंदौर नगर में स्थित है, विद्यालय का भवन अतीव सुंदर है, बहुत सुंदर है, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ या जाती हूँ, मैं विद्यालय जाकर गुरु को अपने गुरु को अपने शिक्षक को प्रणाम करता हूँ या करती हूँ, गुरु स्नेहपूर्वक पाठ पढ़ाते हैं, अध्ययन कार्य कराते हैं, विद्यालय में एक बगीचा भी है या उद्यान भी है, विद्यालय में एक पुस्तकालय है, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी जो पढ़ जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती है और हम अपना कोई सा भी विषय लेकर वहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए उस विषय को हम पढ़ते हैं। और इसके आगे, विद्यालय में एक विशाल खेलने का मैदान है, क्रीड़ा क्षेत्र है। वे वहाँ पर छात्र क्या करते हैं, छात्रा यानी छात्र छात्राएं सभी क्या करते हैं, वहाँ पर खेलते हैं। और आखिरी वाक्य क्या है, मुझे मेरा विद्यालय बहुत प्रिय है, अतीव रोचते। विद्यालय सबको प्रिय होता है। तो ये वाक्य आपको 10 वाक्य आपकी संस्कृत की कॉपी में आपको लिखना है। ये कौन सा निबंध है, विद्यालय। इसके पहले मैंने लिखवाया था धेनुमा। अब जो पाठ अभी पूरा हो गया है उसके बाद आपको इसको नोट करना है।